बगहा एसडीएम दीपक मिश्रा ने दुर्घटना में हाथ पैर गंवा चुके दिव्यांगों के लिए एक अनूठी पहल की है। अनुमंडल के सीमावर्ती इलाकों में लोगों को चिन्हित कर उन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र दिलाने के साथ ही जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग दिलवाने की पहल शुरू की गई है। इसके लिए कैंप का आयोजन कर लोगों को कृत्रिम हाथ पैर समेत ट्राईसाइकिल मुहैया कराया जा रहा है। एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि नेपाली शहर वीरगंज के रोटरी क्लब के साथ मिलकर जिला प्रशासन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराएगी और विकलांगता सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जिला प्रशासन के सहयोग से चिन्हित कर उनके पैरों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। पहले उन्हें कृत्रिम पैर मुहैया कराया जाएगा, बाद में जिनके हाथ नहीं है उनको कृत्रिम हाथ भी दिया जाएगा। और एक बार आप फोन जाएगा यहां से तो आप लोग आएंगे ताकि आगे का काम हो सके। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि 90% से ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों को यहाँ पे अभी जो आर्टिफिशियल लेग है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरा चीज ये है कि जिन लोगों का यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है अभी तक, वो लोग अभी बनवा सकते हैं। वो लोग बस अपना आधार कार्ड और जो भी डिटेल्स हैं वो लोग आप लोग दे देंगे, डॉक्टर साहब आपका चेक कर लेंगे। अगर आपका 40% से ज़्यादा होगा तो UDID कार्ड आपका बना दिया जाएगा और हम लोग आने वाले कुछ दिनों में उसको आप लोगों के